दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे बताना चाहता हूँ, आप IRCTC ट्रेन टिकट बुक करने के लिए कंफर्म TKT ऐप या फिर वेबसाइट का सहारा ले सकते हैं। इसके ऊपर आप इजीली ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं, साथ ही साथ ट्रेन का प्रेडिक्शन देख सकते हैं, कितने परसेंट चांसेस है कन्फर्म होने के, PNR स्टेटस चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एक ऑप्शन और मिल जाता है अल्टरनेट इन सेम ट्रेन का। इसके अंदर आप कौन से बोर्डिंग स्टेशन को चेंज करके कहाँ से आपको कन्फर्म टिकट मिल पाएगा, इसके बारे में भी जानकारी मिल सकती है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर कन्फर्म TKT की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है जावेद, आप देख रहे हैं हेल्पफुल लॉस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे IRCTC के 3 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। पहला लेटेस्ट अपडेट जो होगा वो अंबाला कैंट के ऊपर जो भीड़ भाड़ चल रही है उसकी वजह से कितने चालान हुए, कितने लोगों के ऊपर पेनल्टी पड़ी है और क्या कंडीशन है, इसके बारे में होगा। दूसरा लेटेस्ट अपडेट जो होगा वो झांसी से स्पेशल ट्रेन चलनी है उसके बारे में होगा। और तीसरा लेटेस्ट अपडेट जो होगा फरक्का एक्सप्रेस के बारे में होगा, क्यों फरक्का एक्सप्रेस में छापेमारी की गई है। दोस्तों, तीनों अपडेट आपको कुछ नई जानकारी देंगे, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आगे बढ़ने से पहले प्यार भर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिएगा और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं छठ पूजा की। 2 नवंबर को छठ पूजा है, जिसकी वजह से ज़बरदस्त भीड़ चल रही है बिहार जाने वाली ट्रेन में। तो यहाँ पर अंबाला कैंट के ऊपर इतनी ज़बरदस्त भीड़ चल रही है कि यहाँ से जो लोग यात्री ट्रेवल कर रहे हैं ट्रेन के अंदर, तो उनको इमरजेंसी खिड़की से अंदर जाना पड़ रहा है। यहाँ तक कि ऐसी स्थिति हो गई है कि जो ट्रेनें बिहार साइड में जा रही हैं उसके अंदर एक भी आदमी की खड़े होने की जगह तक नहीं बची है। इसको देखते हुए रेलवे भी एक्टिव हो गया, उसने धड़ाधड़ चालान काटना स्टार्ट कर दिए, पेनाल्टी करना स्टार्ट कर दिए। दोस्तों, 3 दिन के अंदर आपको बताना चाहता हूँ 1 करोड़ रुपये का चालान किया गया, 1 करोड़ रुपये की पेनाल्टी की गई है। लगभग 10,000 यात्री बिना टिकट ट्रेवल कर रहे थे, तो इनके ज़रिए जो वसूली की गई है वो 1 करोड़ रुपए की है 3 दिन के अंदर। इसको देखते हुए और भी स्टेशन पर ज़बरदस्त चेकिंग का अभियान स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरे लेटेस्ट अपडेट की। अब दूसरा लेटेस्ट अपडेट झांसी जंक्शन से निकल कर आ रहा है। झांसी जंक्शन से पुणे के लिए काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी स्पेशल ट्रेन की, तो स्पेशल ट्रेन कल की डेट में चला दी जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि 30 दिसंबर तक ये ट्रेन चलेगी जो स्पेशल ट्रेन होगी। तो कल की डेट में तो अभी कन्फर्म सीट नहीं मिल पाएगी क्योंकि वेटिंग जा चुकी है। 6 नवंबर को जिन लोगों को झांसी से पुणे का ट्रेवल करना है वो आराम से इसके अंदर बुक कर सकते हैं, स्पेशल ट्रेन चला दी गई है। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं तीसरे लेटेस्ट अपडेट की। अब तीसरा लेटेस्ट अपडेट फरक्का एक्सप्रेस की तरफ से निकल कर आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा खाने की शिकायतें मिल रही थी फरक्का एक्सप्रेस, तो छोड़ दीजिए जितनी भी ट्रेनें सब में खाने की शिकायतें मिल रही थी। तो फरक्का एक्सप्रेस में छापेमारी की गई, तो देखा गया कि क्या खाने की स्थिति चल रही है। तो वहाँ पर देखा गया गंदा पानी यूज़ किया जा रहा था खाना बनाने के लिए, साथ ही साथ पुरानी चीज़ें यूज़ की जा रही थी जो कि बेकार हो चुकी हैं, उनको यूज़ किया जा रहा था खाना बनाने के लिए। और साथ ही साथ उनको बिल भी नहीं दिया जा रहा था, जो कस्टमर खाना ले रहे थे, खाना लेने के लिए जो बिल दिया जाता है, अगर आप बिल नहीं लेते हैं तो उसका पेमेंट ना करें, रेलवे का ऐसा नियम है। लेकिन ऐसे नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हुए पेंट्री कार वाले नज़र आए। और साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूँ, गरीब लोगों के लिए खाने की स्कीम चलती है, 15 रुपये में वो पूरा खाना ले सकते हैं। तो उसका पैकेट जो होता है वो हर ट्रेन में अवेलेबल होना ज़रूरी होता है, लेकिन उसका भी पैकेट अवेलेबल नहीं था। 15 रुपये में पूरी प्लेट खाना मिल जाता है उन लोगों को, उसके भी पैकेट अवेलेबल नहीं थे। दोस्तों, ऐसी स्थिति सारी ट्रेनों में चल रही है इंडिया की। आपको क्या कहना है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये स्थिति कैसे सही होगी इसका भी बताइएगा, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।